वावा हरदीप सिंह पूर्व चेयरमैन श्रम कल्याण कामगार बोर्ड एवं इंटक के नेता ने नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र की विभिन्न समस्याओं को लेकर नालागढ़ के एसडीएम मनहिंदर पाल गुज्जर को सौंपा ज्ञापन। एंड वहाँ जाके उनसे बात करने की बजाय हम आपके पास आए कि आप एक बड़ा मीडिया निकालें। मैं आपके ऑब्जेक्शन करता हूँ और ये मेरे पूरी बिकॉज अब हेल्थ मिनिस्टर है वो भी हमारे जिले से, तो ही शुड ऑल्सो विजिट ताकि जो एंड उन लोगों ने यहाँ पे अपनी छाप छोड़ के गए। ये नहीं है कि छः महीना या साल निकालना जो उसके बाद डीसी बनना या कुछ, उन लोगों ने अपने थोड़ा कोई ऐसा आप देखिए वो थोड़ा आई एम नॉट द राइट पर्सन टू कमेंट ऑन दैट। मैं अपने जुडिशन की बात कर सकता। अब सोलन का क्या है जी, सोलन कौन से हॉस्पिटल में जाएंगे फिर? एमएमयू से उनका कोविड का है, उनका है दूसरा गवर्नमेंट हॉस्पिटल। एमएमयू में अदर देन कोविड आल्सो? नहीं, एमएमयू में सिर्फ कोविड सीरियस उनके साथ हमारा वो है काठा से कोविड। हम लोग की कोशिश है, देखो हम लोग भी हमारे भी मतलब ये है कि कोई बेवजह कोई जिसके लिए आज भी लोग उनको याद करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जी हम लोगों की आपसे गुजारिश है, आप ऐसे समय पे आज इस सब डिवीज़न में जो है आप आए हैं जब एक कोरोना से पूरी दुनिया जो है वो छूट गई और इस स्थिति में नालागढ़ की स्थिति ये है कि यहाँ पे हमारे पास सिविल हॉस्पिटल है नालागढ़, और नालागढ़ सिविल हॉस्पिटल में पिछले कई वर्षों से जो है 100 बेडेड हॉस्पिटल की जो है वो घोषणा हुई, बट उसको ग्राउंड पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ट्रॉमा सेंटर की जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री नड्डा जी ने घोषणा की, पर वो ट्रॉमा सेंटर नहीं बन पाया। अब दिक्कत ये है एसडीएम साहब कि यहाँ क्रॉनिक डिजीज हो जैसे हार्ट अटैक है या कुछ है उसको फर्स्ट एड हो जाए, तो वो हमारे दिमाग में है। सर आज जो प्रतिनिधिमंडल मिला था बाबा हरदीप, इसकी क्या क्या मांगे थी, किस मुद्दे को लेकर मिला था? सर मेनली उनकी दो डिमांड थी जो थी, वो पहली डिमांड तो ये थी कि जो नालागढ़ में घोषणाएं हुई है हॉस्पिटल को लेकर ट्रॉमा सेंटर और उनके लेकर, तो वो अभी तक क्यों उसमें देरी हुई, तो उससे संबंध में उनको अवगत करा दिया गया कि क्या क्या इश्यूज़ हैं उसमें और हमारे स्तर पे आते ही हम तो लगे हुए हैं उसको पूरा करने में। दूसरा उनका था कि कोविड या जो हॉस्पिटल है नालागढ़ सीएससी, तो कोविड के कारण अदर पेशेंट जो नॉर्मल है या एक्सीडेंट केस है कार्डिक वाले केस हैं या डिलीवरी वाले केसेस है, तो उनको थोड़ी इशू आ रहा है, तो हमने उनका इस संबंध में ज्ञापन एक्सेप्ट किया है और इस संबंध में हमारी जो प्लानिंग है उनको भी बताइए कि हम लोग क्या प्लान कर रहे हैं और इस संबंध में आम जनता से भी सुझाव मांगेंगे, तो हमें उम्मीद है कि सप्ताह भर में ये जो दिक्कतें आ रही है ये भी दूर हो जाएगी। सर हॉस्पिटल के प्रति एक बड़ी समस्या लोगों को आ रही है कि यहाँ पर जो कुछ छोटे मोटे एक्सीडेंट भी होते हैं उनको फौरन रेफर किया जाता है चंडीगढ़, और यहाँ पर अधिकतर जो डॉक्टर तैनात हैं वो चंडीगढ़ में शिफ्ट होते रहते हैं, उसके रेजिडेंसी उसमें है, इसके बारे में कुछ? सर हालांकि हमारे ध्यान में ऐसा कोई मामला है नहीं जहाँ किसी ने कंप्लेन की हो कि डॉक्टर ने जानबूझ के ऐसा रेफर किया है। जनरली डॉक्टर्स का इशू होता है क्रिटिकल जो केयर होते हैं उन्हीं को चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया जाता है, लेकिन जब से कोविड महामारी आई है तब से विदाउट कोविड टेस्ट हॉस्पिटल्स भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, तो अब वो मुझे नहीं लगता ऐसा कोई ट्रेंड है। अभी हम लोग ज़्यादातर सबको सोलन या शिमला रेफर कर रहे हैं। अभी प्रशासन की तरफ से इस समस्या को निपटने के लिए क्या प्रयास किए जाएंगे, क्या रणनीति अपनाएंगे? प्रशासन एक्चुअली हमारा जो भी ध्यान है वो है कोविड कंट्रोल पे, लेकिन साथ ही ये भी है कि अदर जो इंसिडेंट्स या एक्सीडेंट्स होते हैं उनकी वजह से किसी को परेशानी ना हो, इसलिए हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि प्राइवेट हॉस्पिटल्स के साथ टाई अप करके गवर्नमेंट रेट्स पे उनको जो अदर देन कोविड है उनके इलाज उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, किसी को बेवजह तकलीफ ना हो इसलिए डॉक्टर्स को भी सेंसिटाइज किया जा रहा है कि लोगों की जनरली टेंडेंसी होती है पीजीआई चंडीगढ़ जाने की, तो उनको बताया जाए कि उनका रीज़न क्या है, चंडीगढ़ क्यों नहीं रेफर किया जा रहा उनको, और दूसरा अवेलेबल जो भी बेस्ट डॉक्टर्स हैं उनके पास जल्द से जल्द पहुंचाया जाए। तो हमने एम्बुलेंसेस की भी एक्स्ट्रा व्यवस्था की है और डॉक्टर्स की भी टीम अदर मांगी गई है ताकि उनको प्रेशर जो एग्जिस्टिंग डॉक्टर्स हैं उन पर प्रेशर कम हो पड़ा। ठीक है, जिसके लिए आज भी लोग उनको याद करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि जी हम लोगों की आपसे गुजारिश है, आप ऐसे समय पर आज इस सब डिवीज़न में जो है आप आए हैं जब एक कोरोना से पूरी दुनिया जो है वो छूट गई और इस स्थिति में नालागढ़ की स्थिति ये है कि यहाँ पे हमारे पास सिविल हॉस्पिटल है नालागढ़, और नालागढ़ सिविल हॉस्पिटल में पिछले कई वर्षों से जो है 100 बेडेड हॉस्पिटल की जो है वो घोषणा हुई,
बट उसको ग्राउंड पे जो है इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। ट्रॉमा सेंटर की जो है पूर्व केंद्रीय मंत्री नड्डा जी ने घोषणा की, पर वो ट्रॉमा सेंटर नहीं बन पाया। अब दिक्कत ये है एसडीएम साहब कि यहाँ क्रॉनिक डिजीज हो, जैसे हार्ट अटैक है या कुछ है, उसको फर्स्ट एड हो जाए, तो वो हमारे दिमाग में है। हमारी